बंधुओं, आज सद्गुरु कबीर साहब का 626वां अवतरण दिवस है। 626 साल अब वो कह रहे हैं 625वीं जन्म शताब्दी है। फैसला आप खुद करो। मुझे खुशी है, मैंने ये गणित दुनिया को जब सिखाई तो दुनिया इसको समझी कि पहला जन्मदिन तो आदमी का उस दिन होता है जिस दिन पैदा हुआ है। प्रथम जन्मदिन वही हुआ ना। जब वो एक साल का होता है उसका दूसरा जन्मदिन होता है। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ और इस पर काफ़ी लोग चले। यही बात मोदी जी भी कहते हैं, वो मुझसे छोटे हैं थोड़े, 6-7 महीने। तो पिछले साल उन्होंने कहा मेरा आज 72 साल का हो गया हूँ, 72वां जन्मदिन, पर सही में मेरा जन्मदिन 73 साल है। लेकिन मैथमेटिकल अगर देखें तो मेरा 73वां जन्मदिन, अभी 74वें जन्मदिन पर भी वो आप सुन लेना क्या बोल रहे हैं। यानी आज से 626 साल पहले साहब का अवतरण हुआ धरती पर आए। ये एक छोटी इवेंट नहीं थी। निंदा करने वाला किसी भी सीमा तक चला जाएगा। अब पहला सवाल उठा, सिर्फ साहब का विरोध नहीं हुआ, एक तो बहाना था, ये विरोध उन सब संतों का हुआ जो साहब के नक्श कदम पर चले। क्या कबीर साहब नास्तिक थे क्या? क्या संत लोग नास्तिक थे क्या? पर इस त्रासदी से सभी संतों को गुजरना पड़ा, सबको बड़ी यंत्रणाएं देनी पड़ी, सहनी पड़ी। वजह क्या थी? एक तबके ने भक्ति के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था, इसी पर पूरी दुनिया चल रही थी। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व उसी पर चल रहा है। और यह संदेश भारत की तरफ से गया था, परमात्मा निराकार है। ये संदेश पूरे संसार तक भारत के द्वारा गया। मुझसे किसी एक सज्जन ने पूछा, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं सवाल को पहले कंसंट्रेटली सुनता हूँ। बच्चे स्कूल में फेल इसलिए होते हैं कि पहले प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा इधर हो जाओ राम जी, थोड़ा सा आप, बस आप थोड़ा इधर हो जाओ। मदन मोहन आप गलत बैठे हैं, पीछे देखो थोड़ा, नहीं पीछे देखो, इस लाइन में बैठे हैं, थोड़ा उठा बस। परमात्मा निराकार है, ये संदेश पूरी दुनिया को भारत ने दिया था। इसलिए मुझसे एक सज्जन ने सवाल पूछा, जितने भी संत आए, महात्मा आए, अवतार आए, भारत में क्यों आए? किंवदंतियां हैं ये सब? नहीं, हम कह रहे हैं कोई किंवदंती नहीं है। रामायण की घटना सही है, महाभारत की घटनाएं सही है, जो ऋषि मुनियों का उल्लेख आया वो भी सही है, किंवदंती कैसी है? मैंने कहा दूर मत जाओ, आज से 400 साल पहले तक विश्व के लिए एक मान्यता थी, पुर्तगाल को कहते थे एंड ऑफ द वर्ल्ड, पुर्तगाल को कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड। पुर्तगाल के बाद पैसिफिक सी और बाकी जो समुद्र आते हैं उसके बाद अमेरिका है, 8000 किलोमीटर दूरी है। वहां से 8000 किलोमीटर दूरी है,
इसलिए आले कंपास नेविगेटर नहीं थे, समुद्र में जाने में कोई भी डरता था। आप अनुभव करना, समुद्र में जब आदमी जाता है उसका दिमाग घूमता है, हाइट पर जाने पर भी आदमी का दिमाग घूमता है। इसलिए जब आदमी पानी के अंदर चला जाता है तो किनारे की सभी चीजें उसे घूमती हुई नजर आती है, दिमाग फिर काम नहीं करता है। तो नेविगेशन सिस्टम नहीं था, कंपास नहीं था, कोई भी उससे आगे जाकर अमेरिका तक कभी नहीं पहुंचा था इंसान। ये तो इतिहास है, आप उठाकर देखें। पहला कोलंबस गया, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। भारत पहले विदेशी यात्री आया वास्को डी गामा, वहां कुछ नहीं था। अरे कोई सहस्त्राब्दी साल, हजारों साल पुराने की बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये 400 साल पहले की बात कह रहा हूं। उस समय अमेरिका, कनाडा, ये बाकी अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कुछ नहीं था, कोई इंसान नहीं था वहां। जब कोलंबस गया वहां 8-10 आदमी मिले थे सिर्फ, वो भी पशुवत से मनुष्य के तन में होकर। तो वहां कौन जाना था अवतार, कौन जाना था संत, जब पॉपुलेशन ही नहीं थी। तर्क रख रहा हूं ना मैं, तर्क सटीक होना चाहिए। आप थोड़ा पीछे जाएं, रशिया बहुत विशाल है, बर्फीला है, कोई इंसान नहीं था वहां। दक्षिण अफ्रीका घने जंगल थे, आज भी उन जंगलों में जाने से इंसान डरता है, कोई नहीं गया उधर। अर्बन कंट्रीज मरुस्थल था, सिर्फ रेत थी। अगर इतिहास उठाकर देखो तो 1500 साल पहले कोई भी वहां इंसान नहीं था, 1600 साल पहले। इसी तरह उन देशों में कोई नहीं था। आपको मैं बताता हूं, 1971 में लेह में गया था मैं, इतनी छोटी सी लेह थी, अभी लेह विशाल हो गई। तो पहले मनुष्य भारत में आया, ये सिंधु, बांग्लादेश, म्यांमार आदि ये भारत का अंग है, ये भारत का हिस्सा है, यहां तक इंसान था। आप देखें सबसे अच्छा घनत्व, तो जो जनसंख्या का है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। क्यों? गंगा जी वहां से गुजरती है, नदियां वहां से गुजरती है, इंसान वहां रहना चाहता है जहां उसे दो तीन चीज की सुविधा हो। पहला जल की सुविधा, दूसरा भूमि अच्छी हो। तो वो केवल गंगा और सिंधु के तट पर ही एक डेल्टा है जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा था, यहीं लोग हुए, पहला मनुष्य इधर ही हुआ। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी संसार को एक संदेश देती है, हजारों साल पहले की मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि बता रहे हैं। तो मैंने उसको कहा पहले इंसान कहीं था ही नहीं। अरे भाई फेरी वाला कहाँ जाता है? फेरी वाला तो वहां जाता है जहां उसकी खरीदारी हो, उधर ही जाता है। इस तरह दिव्य विभूतियां भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई, इसकी वजह थी यहाँ का क्लाइमेट टॉप था, हिमालय से आने वाली नदियाँ जीवन पोषक थी, और एक समतल डेल्टा इन्होंने बनाया। इसलिए गंगा और सिंधु का जो डेल्टा है मैदान है, विश्व का सबसे बड़ा मैदान है, पूरा विश्व घूमता हूँ। यूरोप में जाओ तो आपको ऐसा मैदान ही नहीं मिलेगा, कहीं पहाड़ी पहाड़ी हैं, कहीं टेकरियाँ हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं कुछ। इसलिए इंसान पहले यहाँ बसा, मानव सभ्यता का उत्थान ही भारत से हुआ है, ये मेरा तर्क है। आगे बताता हूँ, अभी भी है।
विश्व की जनसंख्या 800 कुछ करोड़ है, उसका 30% एशिया महाद्वीप में है, जबकि दुनिया में 200 से ऊपर कंट्री है। इसका 70% पॉपुलेशन एशिया महाद्वीप में है और भारतीय उपमहाद्वीप का लाइफलाइन ही हिमालय है, इसलिए पहले मनुष्य यहीं रहा, अवतार यहीं आए। ये संस्कृति सबसे प्राचीनतम है, कहते हैं ना भारत प्राचीनतम देश है, लेकिन व्याख्या करने वाले उसको ठीक से व्याख्यित नहीं कर रहे हैं, उसका ये कारण है। आबो हवा सब, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं तो पूरा देश भी घूमता हूँ। आप डोडा के स्मार्ट साइट जाओ, जो ऊंची टेकरियाँ हैं उस पर लोग नहीं हैं, आने जाने के संसाधन नहीं हैं, पानी के संसाधन नहीं होने के कारण वहाँ पब्लिक नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका जम्मू शहर तो एक बाड़ी ब्राह्मणा जितना था, जितना आज बाड़ी ब्राह्मणा है उतना है। 1968 में मेरी बटालियन कुलियाँ जम्मू में आई, तो मैं तब से तो जान रहा हूँ ना। इस तरह से भारत प्राचीन देश था और वेदों की उत्पत्ति के लिए बहुत साफ लाइन दी है कि समुद्र में वेद मंथन के समय वेद मिले थे। रसिया से हमारा संबंध बहुत गहन है, वो पड़ोसी के नाते नाते पहले हमारे देश से बॉर्डर था रसिया का, अब तो अफगानिस्तान बन गया और पीओके बन गया, अदरवाइज ग्राउंड पर भी हमारा उनका संबंध था। वहाँ अभी भी जाकर पूछा, क्रिमिया में ही समुद्र निकले, वेद निकले हैं, और ये बात रशियन और यूक्रेनीज स्वीकार करते हैं समुद्र मंथन से, हम लोग चाहे नहीं स्वीकार कर पा रहे। वो कैसे निकले थे, साउंड निकली थी वेद मंथन पर, आवाज़ निकली थी, इसलिए कहते वेद भगवान। मैं उदाहरण देता हूँ सभी धर्मशास्त्रों का, मुस्लिम लोग कुरान को बहुत तहरीज देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, वजह क्या है उनकी मान्यताएं हैं। देखिए आप सबको कंपेयर करो, उनकी मान्यता है कि जितनी भी ये हदीसें और आदेश हैं, खुदा ने हज़रत मोहम्मद साहब को बोला था, इसलिए कुरान के अंदर जो भी शब्द हैं ये ईश्वर या खुदाई शब्द हैं, ठीक है, उनका तर्क ये है। अलग बात है कि बाद में टीकाकारों ने उसको अलग अलग कर दिया हो, पर तर्क ये है। इस तरह हमारा क्या तर्क है, इस धर्म में वेद भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जब वेद का समुद्र का मंथन हुआ तो साउंड ही निकली थी, वो ब्रह्मा जी ने सुनी, तो वो लोग ये स्वीकार करते हैं कि हाँ वेदा समुद्र से निकले। वो बहुत कुछ हमसे मिलता है उनका, अगर बेसिकली उनका पूरा डीए एंड पूरा उनका वर्चस्व अस्तित्व डीएनए भारत से मिलता है पूरा। एक मंत्री है, उसने क्या कहा था पता है, मैं राजनीति में नहीं, उसने कहा था भारत में रहने वाले चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सबका एक ही डीएनए है। कोई उनका नाम बता सकता है, गिरजा शंकर सिंह, इस पर बखेड़ा हुआ क्योंकि इस महाद्वीप में रहने वाले सभी भारतीय थे, और यही संदेश फिर हमारे लोगों ने अलग अलग जगह परमात्मा का दिया। जैसे मैं देखो अमेरिका गया तो साहब की वाणी का संदेश दिया, वहाँ कुछ फॉलोअर हुए, यूक्रेन गया, ब्रिटेन गया, कनाडा गया, कहीं कहीं मैं घूमा काफ़ी, तो वहाँ फॉलोअर हो गए, वो इस मान्यता को मानने लग गए। आप यहाँ देखते हैं अभी भी काफ़ी लोग आते हैं विदेशों से। इस तरह पहला संदेश परमात्मा जो हैं निराकार हैं ये वेदों का है,
वेदों से पुराना कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। बालक माते खेल खिलाड़ी सिंध मथन गयो खरारी, यानी आदिशक्ति ने उनको कहा जाओ समुद्र से मंथन करना। तहंतर एक भयो तमाशा सोचरित्र बूझो धर्मदासा, बोला उस बीच जो तमाशा हुआ उसको सुनना। धायो योग निरंजन रायु पवन आरंभ कीन बहताई, धायो यानी दौड़ा, निरंजन शून्य है, पवन बहुत उत्पन्न की। त्यागो पवन रहत पुंजभि निक्षे वीर श्वास संकभि, और उस पवन में वेद उत्पन्न हुए। निरंजन ने कहा क्या कहा, श्वास संग आयो सो वेदा बरला जन कोई जाने भेदा, बोला इस वेद को कोई बरला जानता, ये रहस्य बहुत बड़े साहब ने दिए। अस्तुत कीन वेद पुन तहवा आज्ञा का है मैं निर्गुण, तब वेदों ने निरंजन को अस्तुत की, हमारे लिए आज्ञा क्या है। कहा जाय कर सिंध निवासा जय भेटे तह पास, बोला जाओ समुद्र में वास करो, किसको, वेद को। इसलिए हम लोग कहते नहीं वेद भगवान की जय। उठी आवाज रूप नहीं देखा ज्योति अगम दिखलावत नहीं था, आवाज उठी लेकिन रूप नहीं था। यही बात आती है हजरत मोहम्मद साहब ने जब खुदा से कि आयतें सुनी तो पर्दा था बीच में, कहते ना पर्दा कोई नायलोन का नहीं था, इस तरह निराकार, इसलिए वो भी बेसुना खुदा कह रहे हैं। ठीक है, चले बेहतर तहवा कह जाई जहवा सिंध रचो धर्मराई, गुप्त ध्यान देवे समझाया सिंध मथन कर कस बिलमाव, पठ्यो वेग सिंध सिंध तिर बारा धड़के सोचे वचन हमारा, बोला ये धर्मदास तब निरंजन ने आदिशक्ति को कहा त्रिदेव को समुद्र में सिंधु मंथन के लिए भेजो। अभी भी जितने भी धर्म धार्मिक संस्थाएं हैं मत मतांतर है सब साहेब की वाणी लेते हैं लेकिन बीच में काट छांट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बात जो साहेब बोल रहे हैं अभी भी ये चल रही है पर बीच में काट छांट कर दिए। ठीक है, बहियो वस्त्र सिंध के पाही, बोला समुद्र में जो तुम्हें मिले जाओ वेद तीनों सत्ता है, चल बहे ब्रह्मा मान सिखाई दो लहरा पुन पीछे जाए, ब्रह्मा जी आगे चले लहरा छोटे दोनों छोटे यानी विष्णु जी और शिव जी भी साथ में, त्रे बाल सुत बाल खेल चले जो सुभग बाल मरा लो, कह रहे हंसों की तरह तीनों खेलते खेलते जा रहे थे। एक छोड़ छोड़त महिपुन ये करें चलत लटपट चालो, क्षण धावत क्षण स्थिर खड़े क्षण भुज गरल वाह, तय समय की शोभा भली नहीं वेद ताक है गा, बोला जब ये तीनों सिंधु मंथन के लिए गए उसकी शोभा ऐसी है कि वेद भी नहीं वर्णन कर सकता। गए सिंध के पास भय ठार तीनों जने युक्ति मथन प्रकाश एक एक को निरखही, अब एक एक को देखने लगे कैसे मंथन करें। आपके बच्चे में आपकी चीजें नहीं आ रही क्या, आपके गुण नहीं आ रहे हैं क्या, आपकी वृत्ति नहीं आ रही है क्या, इसी तरह निरंजन की पूरी शक्ति उनमें है तीनों में। दसों अवतार इसलिए निरंजन के माने जाते हैं। तीनों कीन मंथन तब जाई तीन वस्त्र तीनों जन पाई, तीनों ने मंथन किया। ब्रह्मा वेद, ब्रह्मा जी को वेद मिला। अब देखना ब्रह्मा की उपासना क्यों हो रही है वो मैं समझाऊंगा। तेज थे छोटा और शक्ति विष्णु जी को मिली, लहरा तास मिले विष छोटा, शिव जी को विष मिला। ये शास्त्रों में भी है, मान सहित विष खाए के शंभ भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायु शीश, सुना होगा ना,
रामायण में भी उल्लेख है शिव जी को। भेंट वस्त्र त्रे तीनों भाई चल भय हर्ष कर जहम आई, तीनों वहाँ पहुँचे तीनों चीज लेकर। माता पाए आए त्रे बारह निज निज वस्त्र प्रकट अनुसारा, अपनी अपनी वस्तुएं प्रकट की। माता आगा कीन प्रकाशा राख वस्त्र तुम निज निज पास। अभी ब्राह्मण को इस धर्म में क्यों मान्यता दी है? क्योंकि ये ब्रह्मा के अंश माने जाते हैं, ठीक है। और शक्ति विष्णु को मिली, इसलिए क्षत्रिय जो है, और हर जन्म में विष्णु अवतार जो हुआ क्षत्रिय कुल में हुआ। कहा निज निज वस्त्र प्रकट अनुसार, कहा राख वस्त्र निज निज पासा। इसलिए हमारे धर्म का, हमारे देश की लाइफ लाइन हिमालय है, और हमारे देश, हमारे धर्म की का बेस वेद है। अब आप यहां देखिएगा, आ रहा है कि बिना मान अमृत पिए मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, रामायण भी करें, यानी इज्जत के साथ, क्योंकि शिव जी ने विष पी लिया कंठ में, इसलिए नीलकंठ भी करें। लेकिन बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, आदिशक्ति ने कहा तीनों अपने अपने पास सब चीजें। अब यहां एक बात साहब कह रहे हैं, गुण मिटे और गुण मिटे, मिटे कर्म का लेख, तुलसी कहे विचार के मिटे न वंश विवेक। लेकिन वंशावली की जो आपकी वृत्ति, ये नहीं मिटेगी। ये रामायण कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके डीएनए में रहेगा। आपका बाप चाहे अनपढ़ था, आप चाहे पीएचडी हैं, उस वाली चीजें आपके अंदर होगी। होगी हाँ डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? आपके पिता अनपढ़ हैं, आप पीएचडी हैं, उनको अपने अंदर देख रहे नहीं? बिल्कुल साहब जी। कभी कभी वही भूलें, गलतियां हो रही हैं कि नहीं? पूरी पूरी। गोस्वामी जी अरे बाप पर पूत वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, वो नहीं जाती है चीजें, पर ये साहब की कृपा से कंट्रोल हो जाती है। पुनतम सिंध मथो जो जय मिले लेव सुभाई, दोबारा भेजा सिंध मंथन के लिए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है वो सुनना। कीन चरित्र आज भवानी कन्या तीन कीन उत्पन्न, आदि शक्ति ने इसको जगत जननी क्यों कह रहे हैं, मातेश्वरी क्यों कह रहे हैं, आदि मां क्यों कह रहे हैं, आत्माएं बोलाई, और पंचभौतिक तत्व निरंजन ने कूर्म जी से लिए, कुछ नहीं है इनका, इसमें आत्मा है, इसलिए मन और माया एक है। तीन कन्याएं उत्पन्न की आदिशक्ति ने, क्योंकि बीज तो आदिशक्ति के पास था, जीव आत्मा है। कन्या तीन उत्पन्न जब ही असवार में नायो सब ही, सब माता को आगे कीना, माता बांट तिन्हें कह देना। वाह, तीन कन्याएं लाए और आकर आदिशक्ति के पास खड़ी, समुद्र से निकली मंथन से। जब माता को आगे कीना, सब माता को आगे कीना, बांट माता बांट तिन्हा कह देना, आदिशक्ति ने बांट दिया तीनों को। क्या पठ्यो सिंध में पुण्यताएं त्रेपुत्र मर्म सो जानत में, उन तीन सिंध मथन को कीना, भेटियो कन्या हर्षित लीना। उनको समझाया कि तुम उनको मिलना, तीनों कन्याओं। जब दोबारा सिंधु मंथन किया, कन्या तीन लीने साथा और जननी कर्ण आयो माथा, तीन कन्याएं निकली, एक एक बांट तीन को दीना, करो भोग अस आज्ञा की ना। यहीं से शादी की प्रथा शुरू हुई है, ठीक है। सावित्री ब्रह्मा को तुम ले, सावित्री ब्रह्मा को, लक्ष्मी विष्णु कर देव,
लक्ष्मी विष्णु को, पार्वती शंकर कर दीनी, ऐसी माता आ जाती। आप देखो शिव जी के भी पुत्र हैं कि नहीं, ब्रह्मा के भी। इस तरह वहीं से सृष्टि चली, मनु शत्रु तीनों जन दीन सरनाई, दीनों अध्या जस भाग लगाई, तीनों पाए कामिन भय आनंदा, जस चकोर पाए निश्चंदा। स्त्री को पाकर के बहुत आनंदित हुए। काम बसी भय तीनों भाई, देव दैत दोनों उपजाई। काम बसी भय तीनों भाई, देव दैत तीनों उपजाई, यानी देवता और दैत्यों का की उत्पत्ति। अब यहां मैं एक तर्क रख रहा हूं, आपको पता है एक बार शिवजी और विष्णु जी का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, बड़ी कथाएं अगर कहोगे कभी मैं ये भी कथा बताऊंगा। तो निरंजन भी नहीं रोक पा रहा था, आदिशक्ति भी नहीं। अंगार बरसा रहा था शिव, सब साहेब ने शांत। रुद्राक्ष है वे शिवजी के अक्ष है, रुद्राक्ष है। ये त्रिदेव युद्ध है, आप देखो राम रावण युद्ध में रावण के पास शिवजी की शक्तियां थी, रावण के पास शिवजी की शक्तियां थी। दरअसल ये युद्ध तो राम जी और विष्णु जी का है, ठीक है ना। जितनी भी शक्तियां उनके पास थी, क्योंकि शिवजी ने विष्पान किया था। अब साहब कह रहे हैं काम बसी भय तीनों भाई, देव देत दोनों उपजाई, इसलिए जितने भी असुर हैं उनको शिवजी की शक्ति मिली। आप महाभारत में देखें धर्मदास परखो यह बाता, नारी भई हति जो माता, जो माँ थी वो स्त्री बनी। माता बहुर कहे समझाई, अब फिर सिंध मत हो तुम जाई। बोला अब तुम फिर जाकर समुद्र मंथन करो, जो जह मिले लेह सो जाई, अब जन करो विलंब तुम भाई। तीसरी बार समुद्र का मंथन हुआ, त्रस चले तब मात नवाई, जो कुछ कहो करब हम जाए। मथ्यो सिंध कुछ विलंब न कीना, मिला वेद सो ब्रह्मा लेना, वेद ब्रह्मा ने लिया। 14 रत्न की निक्सी खानी, ले माता पर पहुंचे आने, तीनों बंद हर्ष है लीना, विष्णु सुधा पाए और विष देना। विष्णु सुधा पाए हर विष देना, हर कौन है वो? हरि है। अरे नहीं कहते हर हर महादेव, हर विष्णु जी है सेठ जी, समझे? अब यहां क्या कह रहे हैं देखिए, जल्दी आदमी भाषा नहीं समझेगा। आओ जी, तीनों बंद हर्षित हुए लीना, तीनों खुश हुए, विष्णु सुधा पाए पायो हर उष विष दीना। विष्णु जी ने अमृत पाया, हर विष दीना यानी शिव जी को विष। पुन माता स्वचन उचारा, रचो सृष्टि तुम तीनों बारा। अब सृष्टि कैसे हुई वो भी सुनना। अंडज उत्पत्त माता किना, जो अंडज है ये आदिशक्ति ने पैदा किया। जो अंडे से पैदा होते, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता, पिंडज जो मां के पेट से शरीर लेके आते ये ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उखमज खान विष्णु व्यवहारा, उखमज मक्खी मच्छर 27 लाख किस्म के जो जी हैं विष्णु जी ने उत्पन्न किया। शिव अस्थावर कीन पसारा, पेड़ पौधे और जलचर शिव जी ने उत्पन्न किया। 84 लाख योनिन कीना,
आधा जल आधा थल की ना, इस तरह 84 लाख। तीन तत्व, एक तत्व अस्तर जाना, अस्तावर में एक तत्व है, दो ही तत्व उखमज पर माना, उखमज में दो तत्व हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, तीन तत्व अंडज निर्वायु, पक्षियों में तीन तत्व हैं, चार तत्व पिंडज हो गया। इस तरह पिंडज में चार तत्व आए और पांच तत्व मनुष्य तन है। अब आप देखें, इसलिए सभी निराकार को मान में है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, वेद चारो ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां। अब विरोध का कारण वो सुनना, कालांतर में वेद मते या जग चले, पूरा संसार इसी मत से चले। उदाहरण देता हूं, जब भी आप देखो किसी घर में कोई उपासना, एक आदमी मुझे मिला, मैं कहा भाई किसकी भक्ति करते हो, बोला शिव जी की। मैंने बोला आपने तो सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, भाई विष्णु जी उनसे बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, तो आप उनकी क्यों नहीं भक्ति किया। बोलने लगा घर में भक्ति इसी शिव जी की होती थी हमेशा, लेकिन भक्ति इंसान एक सहूलियत से करता है। मैं बताना चाहता हूँ कैसा होता है। एक बार एक माता आई मेरे पास, बड़ी प्रसन्नचित्त थी, लड़की साथ थी, बोला तुंदी कृपा से कुड़ी 10वीं में पास हो गई। तो मैं जब भी अध्यापक हूँ मैंने डिवीजन पूछ लेता हूँ। मैंने कहा कौन से डिवीजन में पास हुई है, बोला गुरुजी सप्लीमेंट्री पास है, डिवीजन डिवीजन नहीं, चार पांच बार रह गई थी अभी पास हो गई है। देखो वो खुश थी, पढ़ने में नालायक थी। और एक माता आई अपने लड़के को लेकर, मुझे कहने लगी जब से इसका रिजल्ट आता है रोंदा ही रहता है, रोटी भी नहीं खाता, तुम्हारी क्या परसेंटेज है। तो बोला 85। क्यों रो रहा है, उसने बोला 85%। बोला मेरी तैयारी अब 90 थी। तो एक लक्ष्य होता है ना, एक लक्ष्य है। दूसरा, एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, इंसान जो भी भक्ति करता है अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा है, अपनी जरूरत के अनुसार कर रहा है। दिलां का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कबीर आसमान पता है क्यों कर सी ये दर्जी। आदमी भक्ति कैसे कर रहा है वो मैं समझाऊंगा। जितनी भी त्रिगुण भक्ति है ये त्रिगुण भक्ति है, ये साकार भक्ति है, दूसरी भक्ति है निर्गुण भक्ति, वो निरंजन और निराकार को ही मानते। ब्रह्मा वेद रीति ब्रह्मा की उपासना करने के लिए सूत्र क्या है, ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, एक सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है। आपने कई मंदिर देखे होंगे, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखा होगा। हाँ यूं देखा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देखे होंगे, बीच में शिव जी होगा, विष्णु जी। तो ब्रह्मा की उपासना की क्या पद्धति है, वेद रीति पर चलने से ब्रह्मा की उपासना है, ठीक है। क्योंकि वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा से है, वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने नहीं की है, निरंजन ने की है। यही मतभेद है, यही मतभेद है, पर वेद रिसीव किए ब्रह्मा जी ने। ठीक इसी तरह कुरान की उत्पत्ति मोहम्मद जी की, हजरत मोहम्मद की नहीं है, रिसीव उन्होंने किया है।
मेरा तर्क कैसा है? कुरान की हदीसें और आयतें मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी है, रिसीव की। इसलिए साहब कह रहे हैं, एक जगह साहब इसका उल्लेख कर रहे हैं, ब्रह्मा आदम एक ही है, सत कबीर वचन अस कहे, ब्रह्मा सावित्री नर नारी, आदम हुआ ताहे पुकारी, उसको वो आदम और हुआ कह रहे। ब्रह्मा को काशी में बासा, अदन बाग सो नाम प्रकाशा, इसलिए अदन बाग कहते हैं वो काशी को। काशी सम कोई पुरी न आना, देखो काशी खंड प्रमाणा, बन अदन पथ में कहलाया, वाराणसी बहुत पतलाया। संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कर हेरी, बोला अरबिन को संस्कृत बोलना नहीं, उल्टा कर दिया। आगे देखना, आप महादेव और मोहम्मद की एकता आपने सुना होगा ना, मक्के में शिवलिंग है, जो सुने हाथ खड़ा करे। धीरे 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 ये मान्यताएं कुंठित होती गई है। अब साहब क्या करें, महादेव और मोहम्मद की एकता, श्रीमुख सतकबीर बखाना, मोहम्मद महादेव सो जानी, मोहम्मद महादेव, महादेव छत्री रन बाके, सोई मोहम्मद की है साके। जैसे बलवान थे इस तरह हजरत मोहम्मद, धर्म जास को शस्त्र पर हारा, सोई करे सृष्टि संगारा, इसलिए सृष्टि का श्रृंगार भी कर लेते। तम गुण आदि वेद बखाना, रूह मोहम्मद प्रथम बखाना, तम गुण आदि सृष्टि को करता, भव सागर ताते थर रहता, भव नाम महादेव केरा, ताते ये भव सागर तेरा, भय भवानी द्वि रूप बनाया, भव सागर सरदार पाया, शिव के संग नार द्वि जानी, शीश गंग कटी कोरी भवानी। मोहम्मद ने मकार देख देखा, दो नार थे संग विषय। अब यहां परशुराम और मूसा की एकता, परशुराम के सोटे से सब डरते थे ना, अब साहेब यहां क्या करे, परशुराम और उसकी एकता। यहां मेरा ये भाव था कृष्ण और क्राइस्ट की एकता, कृष्ण क्राइस्ट दो एक समाना, हरे अवतार धरे नर नाना, कृष्ण नाम ईसा को आई, अंग्रेजी बोली के माई हिंदू कहे कृष्ण जगदीशा, उनसे नहीं बोला गया। आगे साहब उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण को जन्म भयो जय मारा, चंदुस फैल गयो उजियारा, चारों तरफ प्रकाश हुआ। कंस की डर वासुदेव डराए, मथुरा से गोकुल ले आए, मथुरा से गोकुल लेकर के आ गए। गर्भ से जब ईसा प्रकटाने, चंद्र तमें तेज चमकाने, यूसुफ निर्भर विरोध भय पाई, ले मसीह को भिन्न सजा। इस तरह यूसुफ को, उनके पिता को राजा हिरोद का भय था, और मसीह को मिस्र ले गया। कृष्ण जन्म सुन कंस डरायो, केते बालक मार नुचायो। इसी तरह ईसा के जन्म के टाइम पर भी ईसा भय हिरोद भूपाला, हने बहुत बालक थे काला। इसी तरह ईसा के जन्म पर हिरोद राजा, उन्होंने भाषाएं चेंज की है, ठीक है, आप देखो ना भाषाएं चेंज की, इसलिए मिस्र से भी हमारी सभ्यता बहुत मिलती है। अर्थात मैं अपने पॉइंट पर आता हूं, इस तरह
मैं थोक में एक प्रमाण देता हूं, जितने भी दुनिया में प्रचलित धर्म है सभी तो निराकार को मान रहे हैं ना भाई। यही तो मुस्लिम भी तो कह रहे हैं ना, बेचूना खुदा। यही ईसाई भी तो कह रहे हैं ना, आकाशीय पिता। अब धर्मों का उद्गम कैसे हुआ? वेदों से। धर्मों का उद्गम वेदों से हुआ। अगर महात्मा बुद्ध की पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो सामवेद सामने आ जाएगा, ठीक है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने परमात्मा का उल्लेख कहीं नहीं किया है, आत्मा का ही उल्लेख किया, आत्मा ही सब कुछ। ये उद्घोष है सामवेद का। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की जय।